फेज का मशीन होता है। पूरा प्लांट जो आप देख रहे हैं पूरा सिंगल फेज में हमारा सिंगल फेज का प्लांट है। पंजाबी तड़का की डाई लगाई हुई है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं पंजाबी तड़का हमारा बन के निकल रहा है और ये धीरे धीरे फ्राई होता रहेगा। ये एक्सट्रूडर मशीन है, इसमें एक ही मशीन से 15 से 20 तरह के आइटम मशीन के थ्रू बना सकते हैं। 15 से 20 तरह के इसमें आइटम बना देंगे और इसकी जो कैपेसिटी होती है 1 घंटे की 80 से 100 kg होती है, तो ये 1 घंटे में 80 से 100 kg हमारी नमकीन बना के तैयार कर देगी। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रायर मशीन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से चलता है। इसकी भी कैपेसिटी 1 घंटे में 300 से 400 kg फ्राई करने की होती है फ्राई आइटम को, और नमकीन को 50 से 60 kg तक ये फ्राई करेगा। ये इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से बनता है और ये सिंगल फेज का मशीन होता है। पूरा प्लांट जो आप देख रहे हैं पूरा सिंगल फेज में हमारा सिंगल फेज का प्लांट है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा जो हमारा पंजाबी तड़का बन के तैयार हो चुका है, अब ये फ्राई हो रहा है फ्रायर में। ये फ्रायर हमारा इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से चलता है, सिंगल फेस होता है ये फ्रायर। पूरा प्लांट हमारा सिंगल फेस का होता है, 80 से 100 kg इसकी कैपेसिटी होती है, 1 घंटे में 80-100 kg तैयार कर देता है माल। और इस मशीन से हम 20 से 25 तरह के आइटम बना सकते हैं, और बाकी के आइटम जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, जैसे कि पीनट्स हो गए, मूंग दाल हो गए, इस तरह से मार्केट से लेकर फ्राई करके 100 से 150 kg तक का हम इसमें नमकीन तैयार कर सकते हैं। अब ये पंजाबी तड़का हमारा बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुका है, अब इसको सीधा निकालने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं मंडी मशीन। इसमें क्या होता है, जो हमारी नमकीन मशीन होती है उसका डॉ इसमें तैयार किया जाता है, तो वो किस तरह से होता है वो आपको दिखाने वाले हैं हम। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बेसन डाल दिया गया है, इसी में हम अपना जैसे मिर्ची हो गई, तेल हो गया, पानी हो गया, सब कुछ इसी में डाल देते हैं और इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या करती है, पूरा उसका डो एक ही बार में तैयार कर देती है। दोस्तों इसमें पानी डाल दिया गया है, तेल भी डाल दिया गया है, मसाले डाल दिए गए हैं इसमें, अब इसको मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों मशीन स्टार्ट हो गई है, अब इसमें जो भी हमने रॉ मटेरियल डाले थे वो सब कुछ इसमें डो तैयार हो जाएगा हमारा कुछ ही देर में। इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है 1 घंटे में आपका ये लगा लेते 200 से 300 kg डो तैयार करती है, और एक बैच में 25 से 30 kg डो तैयार करती है। अब मशीन चालू हो चुकी है, कुछ ही देर में 1 से 2 मिनट के अंदर इसका डो तैयार हो जाएगा। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं डो हमारा ऑलमोस्ट लगभग तैयार होने की कगार पर, थोड़ा सा टाइम और लगेगा 25-30 सेकंड और ये हमारा डो तैयार हो जाएगा। फिर इस डो को उठा कर निकाल करके सीधा हम एक्सट्रूडर मशीन में डालेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब ये सीधा तैयार है एक्सट्रूडर मशीन में जाने के लिए। अब इसको निकाल कर सीधा एक्सट्रूडर मशीन में डाल देंगे, जहाँ पर हमने जिस तरह की डाई लगाई हुई है उस तरह का नमकीन हमारा बन कर निकल जाएगा, तैयार हो जाएगा। दोस्तों मशीन हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें जो हमने डो तैयार किया था वो इसमें लगा दिया है, और इसमें हमने अपना पंजाबी तड़का की डाई लगाई हुई है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं पंजाबी तड़का हमारा बन के निकल रहा है और ये धीरे धीरे फ्राई होता रहेगा। ये एक्सट्रूडर मशीन है, इसमें एक ही मशीन से 15 से 20 तरह के आइटम मशीन के थ्रू बना सकते हैं। 15 से 20 तरह के इसमें आइटम बना देंगे और इसकी जो कैपेसिटी होती है 1 घंटे की 80 से 100 kg होती है, तो ये 1 घंटे में 80 से 100 kg हमारी नमकीन बना के तैयार कर देगी। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रायर मशीन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से चलता है। इसकी भी कैपेसिटी 1 घंटे में 300 से 400 kg फ्राई करने की होती है फ्राई आइटम को, और नमकीन को 50 से 60 kg तक ये फ्राई करेगा। ये इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से बनता है और ये सिंगल फेज का मशीन होता है। पूरा प्लांट जो आप देख रहे हैं पूरा सिंगल फेज में हमारा सिंगल फेज का प्लांट है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा जो हमारा पंजाबी तड़का बन के तैयार हो चुका है, अब ये फ्राई हो रहा है फ्रायर में। ये फ्रायर हमारा इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से चलता है, सिंगल फेस होता है ये फ्रायर। पूरा प्लांट हमारा सिंगल फेस का होता है।
80 से 100 केजी इसकी कैपेसिटी होती है, घंटे में 80-100 केजी तैयार कर देता है माल। और इस मशीन से हम 20 से 25 तरह के आइटम बना सकते हैं, और बाकी के आइटम जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, जैसे कि पीनट्स हो गए, मूंग दाल हो गए, इस तरह से मार्केट से लेकर फ्राई करके 100 से 150 किलो तक का हम इसमें नमकीन तैयार कर सकते हैं। अब ये पंजाबी तड़का हमारा बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुका है, अब इसको सीधा निकालने के लिए तैयार है ये। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल पंजाबी तड़का फ्राई हो चुका है हमारा, और ये फ्रायर से एक ही बार में सारा पलट के बाहर निकाल दिया जाएगा। फ्रायर का सबसे मेन बेनिफिट यही होता है कि इसमें एक बार में सारा आइटम निकल जाता है, और इसकी जो क्वालिटी होती है सबकी एक ही जैसी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल एक एक दाने की क्वालिटी एक ही जैसी है। इसको आप डीजल भट्टी या गैस भट्टी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डीजल भट्टी गैस भट्टी में थोड़ी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। नमकीन हमारा बाहर आ चुका है, अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं हल्का सा ऑयली है, अब इसको ड्राई करने के लिए ड्रायर मशीन में डाला जाएगा, वहाँ पे इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है सारा बाहर निकल जाएगा। जो पंजाबी तड़का हमने बनाया था जैसे कि आप देख रहे हैं, अब इसमें एक्स्ट्रा ऑयल को निकालने के लिए ड्रायर मशीन का यूज़ किया जाता है। अब इसमें इसको डाल देंगे और मशीन को ऑन कर देंगे, इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल के बाहर आ जाएगा। नमकीन को इसमें डाल दिया है और इसको स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल के जैसे कि आप देख रहे हैं उधर से बाहर आ रहा है, इस तरह से निकल के सारा ऑयल हमारा बाहर आ जाएगा और हमको एक ऑयल फ्री नमकीन बिल्कुल मिलेगा। नमकीन की क्वालिटी बनाने के लिए सबसे अहम होती है ये मशीन, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको निकालने के लिए सबसे मस्त ये मशीन चाहिए हमको। अब दोस्तों हमारा पूरा ऑयल निकल के बाहर आ चुका है, इस मशीन को हम बंद कर देते हैं और अपने माल को बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों जो आपने देखा हमारा ऑयल फ्री ड्रायर हो चुका है, बिल्कुल नमकीन है, अब ड्राई हो चुका है। अब इसको उठा के सीधा कोटिंग पैन मशीन में डाल देते हैं, यहाँ पे हमको जिस भी टेस्ट का इसमें फ्लेवर चढ़ाना हो वो इसमें छान देंगे और ये उसमें प्रॉपर तरीके से मसाला लगा के बिल्कुल तैयार कर देगी। जैसा कि आप मार्केट में खाते हैं उसी तरह का बिल्कुल टेस्ट इसमें लग जाएगा। अभी हमने माल इसमें डाल दिया है और अपनी कोटिंग पैन मशीन को हम स्टार्ट कर देते हैं। ये मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अब इसमें हम पंजाबी तड़का का मसाला फ्लेवर चढ़ा देते हैं, छान देते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें चन्नी में हमने मसाला डाल के रखा हुआ पंजाबी तड़का का, अब इस मसाले को इसमें छाना जा रहा है। कुछ ही मिनटों में इसमें सारा मसाला चढ़ के प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल टेस्टी हो जाएगा। ये मसाला छान दिया है इसमें और सारा प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सारा मसाला इसमें चढ़ चुका है, अब ये बिल्कुल तैयार है पैकिंग के लिए। दोस्तों मसाला लग चुका है, अब इस सारे प्रोडक्ट को निकाल के हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ से विंडो लगी उसमें खोल देते हैं, सारा माल हमारा बाहर निकल जाएगा और फिर इसको उठा के हम सीधा पाउच पैकिंग मशीन में डाल देंगे, वहाँ पर ये पैकेटों में पैक हो के लड़िया भर के निकलता रहेगा। दोस्तों ये हमारी पाउच पैकिंग मशीन है, अब जो माल हमने तैयार करा था पंजाबी तड़का इसको पाउच पैकिंग मशीन के हॉपर में डाल देते हैं, वहाँ से ये सीधा पाउच में पैक होकर और लड़िया बनकर निकलता रहेगा। ये हमारी पाउच पैकिंग मशीन है, ये स्टार्ट है, ये हीट जैसे ही हो जाती है इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और लड़िया बनकर बाहर हमारी निकलती रहेंगी ऑटोमेटिक, ये फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन। दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं फ्रेम्स आइटम है, ये मार्केट में आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। अगर किसी बंदे का बजट नहीं होता है पूरे प्लांट खरीदने का तो वो चार मशीन लेकर अपना प्लांट स्टार्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल मार्केट से लेना है उसको, फ्रायर लेना है, ड्रायर लेना है, पैकिंग मशीन और मसाला मिक्सर, ये लेकर अपना काम स्टार्ट कर सकता है। ये रॉ मटेरियल आपको हर जगह मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो जो मशीन हमसे लेता है वो सब हम ही उनको प्रोवाइड करा देंगे। ये इस तरह से रॉ मटेरियल लेके आपको फ्रायर में डाल के सिर्फ फ्राई करना होता है, आपको फ्राई करने के बाद इन मसाला मिला के और अपना ब्रांड दे के इनको पैक करना होता है, सिंपल सा इसका प्रोसेस होता है।
एक मिनट से कम टाइम में फ्राई होकर तैयार हो चुका होता है। दोस्तों फ्राई आइटम फ्राई होकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको फ्रायर से उठा के बिल्कुल बाहर निकाल लिया गया है। एक ही बार में एक ही क्वालिटी का सारा प्रोडक्ट निकल चुका है। अब ये भी जैसा कि आप देख रहे हैं ऑयली है। अब इसको ड्रायर मशीन में डाल के ड्राई किया जाएगा, वहाँ पे इसको ऑयल फ्री कर दिया जाएगा। ड्रायर से ड्राई करने के बाद इसमें मसाला मिला जाएगा। मसाला मिलाने के बाद सेम प्रोसेस उसको पाउच पैकिंग मशीन में डाल के पैक कर दिया जाएगा। ये लड़िया बन के एयर भर के इसमें निकल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं माल इसमें डाल दिया गया पाउच पैकिंग मशीन में। अब ये बिल्कुल तैयार है हमारा पाउच को रेडी करने के लिए। अभी माल स्टार्ट कर देते हैं और पाउच पैकिंग मशीन को ये स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप ये देख रहे हैं ऑटोमेटिक इसमें पाउच में माल आता रहेगा, पाउच में एयर आती रहेगी और लड़िया बन के बाहर निकलती रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल तैयार हो चुका है पाउच निकलने। और ये 12 के 20 की 25 की जितने के प्रोग्राम इसमें डालेंगे उतने की लड़िया ऑटोमेटिक काटता रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं इस पाउच में एयर भी भरता है, पाउच में माल भी भरता है, सारे काम ये ऑटोमेटिक करता है। फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन बोलते हैं इसको। ये 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक पैक करती है और एक घंटे में 1800 से 2000 पाउच ये पैक करती है। ये देखिए ये लड़ियाँ बन के हमारी बाहर आ चुकी हैं। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें हमने 12 की लड़ी का पाउच डाला हुआ है। अब इसको हम सिंगल सिंगल पाउच काटते हैं। तो बस सिर्फ हमको इसमें प्रोग्राम ही डालना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अब हमने इसमें सिंगल सिंगल पाउच हमारे आने स्टार्ट हो चुके हैं। इस तरह से ऑटोमेटिक काट के निकालते रहेगी। इस मशीन के थ्रू आप नमकीन हुआ, कुरकुरा हुआ, चिप्स हुआ, पफ हुआ, मैक्रोनी पास्ता हुआ, सोया बड़ी हुआ या मसाले हुआ, चाय की पत्ती हुआ, चने हुआ, राजमा हुआ, चीनी हुआ, चावल हुआ, कोई भी आइटम हो सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक पैक होते रहेंगे। वजन होकर ये 10 ग्राम से 250 ग्राम ये पैक करती रहेगी और इस तरह के माइंड ब्लोइंग पाउच बना के निकालती रहेगी।